वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जी वाले मुहावरों का सेकंड सेशन करने वाले हैं, एक से लेकर 12 तक। और आज वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि आज मैंने वीडियो बनाया दो बार और दोनों बार वीडियो जो है बेकार हो गए। यानी मैं पिछले लगा हूँ पिछले पौन घंटे से, या एक घंटा कह दीजिए, एक घंटे से लगा हुआ मैं। और अब ये वीडियो मेरा तीसरा बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले ही सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हुई हैं। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। आज हम अपना काम फिर से शुरू कर रहे हैं, जी वाले मुहावरों का सेकंड सेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट जो होता है यह है क्या? देखिए वैसे ग्रेवयार्ड माने होता है कब्रिस्तान, वैसे ग्रेव माने होता है कब्र, और ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान, ठीक है। ग्रेव माने होता है कब्र, ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। और ऐसी शिफ्ट यानी जॉब का ऐसा समय जो देर मिडनाइट, जो मिडनाइट रात से शुरू होकर सुबह देर तक चलता है, वो क्या कहलाएगा? ग्रेवयार्ड शिफ्ट। लेट नाइट से स्टार्ट होकर सुबह देर तक चलने वाली जो जॉब की शिफ्ट होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहलाती है। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, द जॉब टाइम, जॉब का वो टाइम फ्रॉम लेट मिडनाइट से लेके टिल मॉर्निंग तक। तो सुबह देर से लेके, सॉरी आधी रात से लेके, या लेट मिडनाइट से लेके सुबह देर तक का समय जो होता है वो क्या होता है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ये जॉब का टाइम होता है जो लोगों के लिए बड़ा ही कठिनाई भरा होता है, क्योंकि इस टाइम सबसे नींद आती लोगों को। ग्रीन फिंगर्स की बात कर रहे हैं। ग्रीन जैसे मन में सोचते हैं तो मन में आता है हरा, हरा जब आता है तो बात कर रहे हैं पेड़ों की। तो जब भी किसी इंसान की फिंगर ग्रीन है, इसका मतलब कहने का ये है कि वो इंसान पेड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, पेड़ों को लेकर उसकी जो उत्सुकता है बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब भी आप किसी इंसान के बारे में ये बोलेंगे कि ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान बागवानी में बहुत ज़्यादा कुशल है, वो इंसान पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा देख रेख करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि फॉन्ड ऑफ माने होता है किसी चीज़ का शौकीन, और गार्डनिंग मतलब हो गया बागवानी। तो फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग या स्किल्ड एट गार्डनिंग, परफेक्ट एट गार्डनिंग क्या कहलाएगा? ग्रीन फिंगर्स। तो जिन लोगों को बागवानी की बहुत ज़्यादा आदत है, ऐसे लोगों की फिंगर ग्रीन है, ये कह सकते हैं कि ही हैज़ या शी हैज़ ग्रीन फिंगर्स। आए बच्चों, ठीक है। तो बात करें नंबर फर्स्ट की, नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है ग्रेवयार्ड शिफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया बताइए ज़रा मुझे ध्यान से। इसका मतलब हो गया लेट मिडनाइट से लेकर सुबह तक का समय कहलाएगा ग्रेवयार्ड शिफ्ट। बात कर रहे हैं सेकंड की, ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स होता है क्या होता है बताइए ज़रा? ग्रीन फिंगर्स का मतलब ये है कि जिस इंसान को बागवानी की बहुत ज़्यादा आदत हो, फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। अब बात करें नंबर थर्ड की, अ गुड सैमरिटन। सैमरिटन बताने से पहले, या पहले काम करिए, इसी को पढ़ लेते हैं। सैमरिटन क्या है? उस इंसान को बोलते हैं जो दूसरों की सहायता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, यानी कि वन हु ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका वन वर्ड जो बनता है वो कॉपी में नोट कर लीजिए, अ पर्सन हु ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, अ पर्सन इज कॉल्ड सैमरिटन, ठीक है। सैमरिटन वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। इसीलिए अ गुड सैमरिटन मुहावरे का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। जब भी दूसरों की मदद करने की बात आती है तो ऑप्शन के तौर पर एक वर्ड और आएगा, आल्ट्रुइस्ट, altruist। आपको ये ऑप्शन टिक नहीं करना है। जब भी ये ऑप्शन के तौर पर आएगा आपको ये ऑप्शन टिक नहीं करना है। और आपको ध्यान देना है बच्चों कि सैमरिटन को टिक करना है, दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट, लेट मिडनाइट से लेकर मॉर्निंग तक का समय, जॉब का समय। ग्रीन फिंगर्स का मतलब बताइए क्या हो जाएगा? बागवानी में कुशल व्यक्ति हो जाएगा। अ गुड सैमरिटन का मतलब बताइए क्या होगा? अ गुड सैमरिटन का मतलब बेटा होगा एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की भलाई करता है। ऑप्शन पे आल्ट्रुइस्ट नहीं करना है जब ये वन वर्ड की लाइन पे आएगा। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, गो हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लेके चलना, मतलब साथ साथ चलना। गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलना, बिल्कुल सरल है, इंपॉर्टेंट कम है, आप आराम से कर लेंगे। इसकी इंग्लिश बताएंगे जरूरत हमको नहीं। नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, गो मतलब जाना, फुल मतलब पूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी। गो मतलब जाना, फुल मतलब पूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी। पूरी दूरी जाना मतलब क्या है? पूरी मंजिल तय कर लेना, यानी अपनी मंजिल तक पहुंचना। मैं लिख रहा हूँ इसको, अपनी मंजिल तक पहुंचना, यानी अपने लक्ष्य को हासिल करना। टू रीच योर एम क्या कहलाएगा? गो द फुल डिस्टेंस। या एग्ज़ाम में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, टू बी सक्सेसफुल पूछ देंगे आपको, टू बी सक्सेसफुल के लिए गो द फुल डिस्टेंस लगाना है। बताइए आया? गो द फुल डिस्टेंस मतलब हो जाएगा अपनी मंजिल तक पहुंचना, गो हैंड इन हैंड साथ साथ चलना, गुड सैमरिटन दूसरों की भलाई करने वाला, अल्ट्रुइस्ट ऑप्शन बनता है लेकिन होता नहीं, ग्रीन फिंगर्स
प्रेम फिंगर्स का मतलब बच्चों हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भगवानी में कुशल होता है। अच्छा, जब बात कर रहे थे गो द फुल डिस्टेंस की, यानी कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, अपना लक्ष्य हासिल करना, तो बात इसकी भी होनी चाहिए गो प्लेस का। गो मतलब जाना, प्लेस मतलब स्थान, सही स्थान पर पहुंच गए। जैसे आप अक्सर एक दूसरे से कहते नहीं, जब कोई इंसान कहता है कि भैया मेरी जॉब लग गई, आप क्या बोलते हो? भैया सही जगह पर पहुंच गए, मतलब आप क्या है, सक्सेसफुल हो गए। तो गो प्लेस माने क्या हो जाएगा, टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल। इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, वी शैल गो प्लेस वन डे, एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे, वी शैल गो प्लेस वन डे। तो गो प्लेस का मतलब हो जाएगा सफल होना, गो द फुल डिस्टेंस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, गो हैंड इन हैंड साथ साथ चलना, अ गुड सैमरिटन दूसरों की भलाई करने वाला, ग्रीन फिंगर्स बागवानी में कुशल, ग्रेवयार्ड शेड्यूल जॉब का वो समय जो लेट मिडनाइट से शुरू होता है और सुबह तक चलता है। गो प्लेस और गो द फुल डिस्टेंस बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है। गो प्लेस मतलब सफल होना, गो द फुल डिस्टेंस मतलब वही है सफल होना या अपने लक्ष्य तक पहुंचना। अगर आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामान्य से एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो ये कहलाता है गो द एक्स्ट्रा माइल। टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, इसको ऑप्शन में लिखिए, टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू विन, जीतने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना क्या कहलाएगा, गो द एक्स्ट्रा माइल। क्लियर हो गया, गो द फुल डिस्टेंस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना यानी कि सफल होना, गो प्लेस सफल होना, गो द एक्स्ट्रा माइल लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना, टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। क्लियर है, इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नंबर सातवें में और आठवें में जो दो मुहावरे लिखे हुए ना, गो टू द डॉग्स, गो टू द विंड, गो डाउन द ड्रेन, ये तीनों ही का मतलब है बर्बाद हो जाना, असफल हो जाना या पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, व्यर्थ चले जाना। फिर से सुनिए, गो वाले तीन मुहावरे हैं, गो टू द विंड, गो टू द डॉग्स और गो डाउन द ड्रेन। इन तीनों का ही मतलब बेटा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद या असफल हो जाना। गो टू द डॉग बर्बाद हो जाना, गो टू द विंड बर्बाद हो जाना, गो डाउन द ड्रेन का मतलब ही हो जाएगा पूरी तरह से असफल हो जाना। क्लियर है। नंबर नौवां देखिए, गो थ्रू। अच्छा, इससे पहले कि मैं गो थ्रू बताऊँ, आप एक चीज़ सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग गो के साथ बाई लगा देते हैं तो गो बाई का मतलब होता है नियमों का पालन करते हुए काम करना। जैसे आपने बोला हुआ है कि मैं नियम का पालन करते हुए काम करूँगा, तो आई विल गो बाई द रूल्स। थ्रू क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसको याद करने का तरीका समझिए। थ्रू का मतलब होता है से होकर, जैसे कि खिड़की है, खिड़की से होकर सूरज किरणें निकल रही हैं तो क्या बोलेंगे, द सन रेज आर पासिंग थ्रू द विंडो। तो गो थ्रू का मतलब होता है, गो थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना, स्पेशली मुश्किलों से होकर गुजरने के लिए गो थ्रू ज़्यादा लगाते हैं। फायर एंड वाटर का मतलब क्या हुआ कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे आग हो चाहे पानी बरसे, हमें उनसे होकर गुजरना, यानी सारी कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने की कोशिश करना, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना। लेकिन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स ऑप्शन पर नहीं देंगे, ऑप्शन में क्या देंगे, टू गो थ्रू ऑल डिफ़िकल्टीज टू विन, जीतने के लिए सारे संभव सारी मुश्किलों से होकर गुजरना, हर परिस्थिति से गुजरना, गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर संभव प्रयास करना, उसके लिए मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स देंगे। इसके लिए क्या देंगे, मुश्किलों से होकर गुजरना लक्ष्य प्राप्ति के लिए। गो द एक्स्ट्रा माइल क्या हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरत से ज़्यादा प्रयास करना। अच्छा, ग्रीज समवन्स पाम, देखिए पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली गर्म करना, मतलब किसी को घूस देना, किसी इंसान को घूस देना, ठीक है। घूस को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइब, क्या बोलते हैं, ब्राइब, क्या है, BRIBE। जिनको नहीं पता जान लें, घूस को हम अंग्रेजी में हश मनी भी कहते हैं, हश मनी, वो पैसा जो चुपचाप है ना दबा कर दिया जाता है, वैसे हश का यूज़ करते हैं किसी को शांत करने के लिए, या जो चोरी छुपे पैसा दिया जाए वो हश मनी कहलाता है। तो घूस की दो इंग्लिश है, ब्राइब और हश मनी। ग्रीस संबंध पाम किसी को घूस देना, ठीक है। गो डच का मतलब क्या है, गो डच का मतलब है बिल का भुगतान बराबर बराबर भागों में करना, बिल का भुगतान बराबर बराबर भागों में करना, बताइए क्या कहलाएगा, गो डच कहलाएगा। जैसे कि कई लोग हैं ग्रुप में हैं और सबको बराबर बराबर पैसे पे करना है, बिल पे करना है, तो अब वो क्या बोलेंगे, वी शैल गो डच, यानी हम बिल का भुगतान बराबर बराबर भागों में करेंगे।
ठीक है। तो एक से लेके मैंने 12 तक मुहावरे याद कराए हैं। एक काम कीजिए, मुझे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सुनिए। ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्या है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट वो शिफ्ट है जिसमें आदमी मिडनाइट, लेट मिडनाइट से लेकर सुबह तक काम करता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड माने कब्रिस्तान होता है, बढ़िया। ग्रीन फिंगर्स उस इंसान की हैं जो बागवानी में कुशल है, परफेक्ट एट गार्डनिंग या फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। तीसरा सुनिए, अ गुड सैमरिटन। सैमरिटन दूसरों की भलाई करने वाला, और सैमरिटन जब आता है तो ऑप्शन पे आल्ट्रुइस्टिक टिक नहीं करते, सैमरिटन को हम प्राथमिकता देते हैं। गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलना, ठीक है। अगला है गो द फुल डिस्टेंस, पूरी दूरी तक पहुँचना, मतलब अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना, लक्ष्य हासिल करना। गो प्लेस का मतलब हो जाएगा सफल हो जाना। गो टू द डॉग्स, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। गो टू द विंड, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। गो डाउन द ड्रेन, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर मुश्किल परिस्थिति से होकर गुजरना लक्ष्य प्राप्ति के लिए। गो थ्रू माने मुश्किल से गुजरना, और गो बाई कॉपी में लिख लीजिए, नियमों का पालन करना, ठीक है। गो द एक्स्ट्रा माइल, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरत से ज़्यादा प्रयास करना। गो डच बिल का भुगतान, बराबर बराबर भाग में करना। अग्री समन्स फॉर्म, किसी इंसान को घूस देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिखे हुए ये 12 मुहावरे आपने याद कर लिए होंगे, और पीछे वाले भी ये कर रहे होंगे। कहने के लिए तो एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एक एक नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत करूँ, इतने सारे मुहावरे याद करूँ, तो देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्शन ले चुके हैं, उनसे भी अगर आप पूछेंगे ना, तो उन वो आपको ये बोलेंगे कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते हो। दो नंबर बड़े कीमती होते हैं, एक नंबर बड़ा कीमती होता है, जब आप सिलेक्शन आपको रुकता है कि नंबर से, दो नंबर से। अच्छा, ये मुहावरे तो मैंने करवा दिया आपको, बढ़िया है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं आपको और पढ़ाना चाहूँगा, क्या पढ़ाना चाहूँगा, देखिए इधर बोर्ड पर सुनिए। मैं आपको ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ाना चाहूँगा जो कि प्रेपोजिशन बेस्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्रिवेल, PREVAIL। पहले तो प्रिवेल की हिंदी लिख लीजिए, व्याप्त तो होना, ये क्रिया है, क्रिया है। जैसे आपने बोला हुआ है कि भ्रष्टाचार गवर्नमेंट सेक्टर में व्याप्त है, तो क्या हो जाएगा, करप्शन prevails in government sector, ठीक है। तो जब कहीं पर कोई चीज़ व्याप्त होती है तो prevail में preposition देखिए कौन सी लगाते हैं, in लगाते हैं। कौन सी preposition लगाते हैं, in लगाते हैं। कहीं पर कुछ व्याप्त होने के लिए prevail में preposition कौन सी लगाते हैं, in लगाते हैं। लेकिन किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए हम लोग prevail में क्या लगाते हैं, upon लगाते हैं। प्रिवेल में क्या लगाते हैं, अपॉन, हिंदी क्या हो जाएगी, कोई काम करने से रोकना। प्रिवेल में इन लगा दिया, कहीं पर कुछ किसी चीज़ का व्याप्त होना। प्रिवेल में अपॉन लगा दिया, कोई काम करने से रोकना, ठीक है, दो वर्ड हुए। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि कहीं पर कुछ व्याप्त होने के लिए हमने जो जो वर्ड लगाए, मान लीजिए हमने प्रिवेल में इन लगा दिया, तो आप व्याप्त होने के लिए लाए इन भी लगा सकते हो, ठीक है। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, उन्होंने मर्सी पोएम ज़रूर पढ़ी होगी, विलियम शेक्सपियर की, उसमें एक लाइन लिखी है, मर्सी लाइज इन हर्ट्स ऑफ किंग्स, ठीक, जो दया है वो राजाओं के हृदय में निवास करती है। तो जब कहीं पर किसी चीज़ का निवास करना होता है, निवास होता है, तो प्रिवेल के साथ इन लगाते हैं, लाए के साथ इन लगाते हैं, ठीक, और प्रिवेल में अपॉन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कोई काम करने से रोकना हो जाएगा। बताइए, कहीं पर व्याप्त होने के लिए प्रिवेल इन लगा दिया, लाइन लगा दिया, बहुत बढ़िया है, और रोकने के लिए लगा दिया प्रिवेल अपॉन, कोई काम करने से रोकना। हालांकि कोई काम करने से रोकने के लिए जब हम प्रिवेंट लगाते हैं तो प्रेपोजिशन लगाते हैं फ्रॉम, कोई काम करने से रोकना, ठीक है। तो ठीक है, ये आज मैंने ऐसे ही 3-4 मुहावरे आपको प्रेपोजिशन पढ़ा दिए, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, धीरे से हम लोग ये काम और आगे बढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। तब तक आप इसे याद करिए, और बाकी लोगों से साझा जरूर करिए, जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि आपके साथ वो भी पढ़ाई कर सकें, वो भी हर एक नंबर के लिए
अच्छे से लड़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे इन मुहावरों के साथ। मेहनत करिए क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कल।